क्या है, पूरे देश भर में करीब 12 करोड़ आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग का है और इनके कल्याण के लिए जसपुर जहां से हम आते हैं वहां पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई है स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे जी के कर कमलों से। और लगातार अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम वनवासियों के हित में, उनके सुरक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है और उसी का एक विंग जनजाति सुरक्षा मंच है और जिसके राष्ट्रीय संयोजक वर्तमान में श्री गणेश राम जी भगत हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं। सर, इन लोग की मांग है कि और की जाए। हाँ, वो जनजाति सुरक्षा मंच का भी वही काम है कि वनवासियों का, आदिवासियों का हित रक्षण करना, धर्मांतरण का खिलाफत करना और डीलिस्टिंग कानून पास कराना। जैसे संविधान में व्यवस्था है कि एससी वर्ग के लोग अगर धर्मांतरित होते हैं तो वो एससी की सुविधा से वंचित हो जाते हैं, लेकिन एसटी में ऐसा नहीं है। तो एसटी वर्ग का वही मांग है कि जैसे एससी के लिए व्यवस्था है संविधान में, उसी तरह से एसटी में भी होना चाहिए कि जो धर्मांतरित हो जाते हैं उनको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और जनजाति सुरक्षा मंच इसकी भी मांग पुरजोर तरीके से उठा रही है। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार क्या करेगी सर? नहीं, राज्य सरकार का इसमें कोई वो नहीं है, वो तो समाज का काम है। जो एसटी वर्ग के हैं, पहले भी एक बार करीब 28 लाख हस्ताक्षर करके वही तो कह रहा हूँ, हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। हालात सुधारेंगे। मैंने कहा ना कि देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं ये लोग, कुछ भी कर लें। अपने घोषणा पत्र में अब देश की जनता इनके मतलब धोखे में आने वाली नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं। देखिए क्या है, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्यों बोलते हैं ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब वो कुछ भी कर ले, 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में, 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रुपये साल का देने की बात किए, उसके बाद ये लोग तत्काल 15,000 देने की बात किए, लेकिन कोई विश्वास किया? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास मतलब विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहाँ से पैसा देंगे? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आ रही नहीं है, 5 साल तो हम लोग हैं, केंद्र में उनकी सरकार बननी नहीं है, तो फार्म भरा देंगे तो 1 लाख रुपये लाएंगे कहाँ से? तो ये धोखा देने वाली पार्टी है। और जैसे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, एक ही बार चढ़ती है, तो ऐसे अब ये कांग्रेस की भी वही हालत है। ये डूबता हुआ जहाज है, बिखराव हो गया है, सब लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, हम लोगों को प्रवेश कराने में मुश्किल हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं 300-400 से 1,000-1,200-1,500 अच्छे अच्छे लोग, नगर निगम के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व विधायक नवीन जिंदल जैसे लोग आज भाजपा में आ रहे हैं। तो ये तो डूबता हुआ जहाज है, कभी भी इसका अंत होने वाला है।